भाई साहब दादी बनी भाई साहब बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। भाई साहब बनाया किसने? मैंने ही बनाया। सुबह आपके हाथ काट दीजिए मेरे। ये तो वही वाली बात होगी, ये किसने बनाया ये मुजस्मा? हाथ काटेंगे सुबह उसके। देखो सर मैं प्यार से बनाता हूं, जाओ मेरे दरबार, इसके हाथ काट के सुबह आगरा पहुंचो। लेकिन अक्षर मेरे हाथ पर तो बनाया कौन? बनाएगा कोई भी, लेकिन ये मुजस्मा जो तुमने बनाया ना, ये मुजस्मा इसके चक्कर में अब आपके हाथ काटने वाले। कालू तुम इसके हाथ लेके आगरा पहुंचो। तो दोस्तों ये हमारी दाल मखनी बन रही है अभी। फिलहाल कढ़ाई की जगह हमने शुरू कर दिया है ये कुकर में बनानी। आप देख सकते हो कुकर में दाल मखनी बन रही है। कालू भाई एक्सपेरिमेंट करने आ गए हैं। छेड़ो छेड़ो, आपको छेड़ो, बिना छेड़े तुम्हारी आग लगेगी नहीं। तो दोस्तों आज का खिला दिन, खिली धूप, क्या मौसम हो रहा है। और आज फिर हम छत पे आए हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं। रजत आज की फिर प्लानिंग में कुछ नया खाना बनाने की। क्या बनाओगे? मेरे को मेरे भाई ने डांट दिया। मैं मेरे भाई ने डांट दिया? किस भाई ने डांट दिया? आपने डांट दिया। मैंने कहा डांटा? अभी डांट दिया। तो इतना तो हक बनता है ना बड़े का से। देखो देखो कालू इतना गुस्से में आ गया, डंडा पकड़ लिया था। कालू क्या? हाँ भाई आज कुछ खाने की इच्छा है रात को? आज बनेगी दाल मखनी। दाल मखनी हांडी में? दाल मखनी हांडी में। उस दिन की दाल तो बहुत बढ़िया थी, आज की भी बढ़िया बनेगी। तुम्हें कुछ खाना है? हमें पनीर टिक्का बना रहे, तंदूर से रखा है। पनीर टिक्का मामा भांजी भांजी की सिफारिश। अब ये फिर उस दिन की तरह बहस कर रहे हैं हमसे। तुम कह रहे सिर्फ राजमा भीगेगा, दाल वाली नहीं भीगेगी। तो दाल मखनी बनाओगे राजमा मत डालो, वो तेरी ही है। क्या कर रहा है? आई थी तुझे? मुझे लेना आई थी? हाँ। अच्छा तूने मुझे बचा ली बल्लू, तूने मेरी जिंदगी बचा ली। ये चील से वो बैठी ना, एक वो बैठी अभी। मामा को ले जाएगी चील कैसे? ये पॉइंट है, ये गहराई की बात है। मैं क्योंकि बहुत हल्का हूँ, मेरा वजन बहुत हल्का हो गया। अक्सर बच्चों को चील ले जाती है उठा के मारती है। राजमा रखा है घर पे? राजमा नहीं रखा तो दुकानों में तो है। आज पनीर टिक्का बनाते हैं। एक कटोरी क्या? हाँ पहाड़ी राजमे में स्वाद अलग होता है क्योंकि वो, लेकिन पकता वहीं के पानी में ही है। तुम दिल्ली लाके पकाओगे पक्के करें ढंग से? जम्मू का खाओ, जम्मू का। किसका? टीरी। टीरी का तो पता नहीं, जम्मू का, जम्मू की तरफ का बहुत बढ़िया होता है राजमा। हाँ लेकिन वो यहाँ तुम पकाओगे ना स्वाद नहीं आएगा। मैं लाया था है, चूहे तो वहां पर खा जाते हैं। चूहे कहीं नहीं छोड़ते, उन्हें शर्म नहीं आती। मम्मी कह रही है जहाँ गुदड़ ज्यादा होता है वहां चूहे तो होते ही है। मैं सुन नहीं रहा यार मेरी बात। सुनाओ तुम भी सुनाओ। तो आज मैं भिगो के रख दो है और एक दाल आएगी। हाँ तो आज का इंतजाम यही करो। बहुत बहुत नीचे थी वो, बहुत नीचे आ गई थी। मेरी जिंदगी बचा ली नहीं, मुझे ऊपर जाके छोड़ देती वो है ना। हाँ हवा में खा, वही मेरी आँख वाँख सब निकाल देती। रिदु आज आपको आना है ब्लॉग में? रिदु रिदु ब्लॉग में आना आपको आज? क्यों क्यों नहीं आना? और सब वेट कर रहे हैं आपका जो? अरे बोर, यही तो बोर नहीं होगा, ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप भी, देख तो लो। देखो देखो कौन बुला रहा है इधर, कौन देख रहा है तुम्हें? देखेगा ही नहीं अब, देखेगा ही नहीं। ये तो कब देखेगा? जब मैं किस कर दूंगा, एक देख अब देखेगा, मैं किस कर दूंगा ना तब देखेगा, अब देखेगा। देखो अब देख नहीं सकता। ओ पूरा घूम गया भैया। अरे क्या फ्लेक्सिबल इंसान है, देख ले घूम गया ना पूरा। ये क्या कर रहा? चक 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 मुझे कट कट करने। तो दोस्तों आज बन रही है दाल मखानी और एज यूजुअल वो बना रहा है शेफ रजत।
दिखाओ थोड़ा दाल मखानी। इसमें सीटी मारे हमारे व्यूअर्स को, दाल मखानी दिखाओ ना कैसी बन रही है अभी। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग फेज अभी है। तो ये हमने उबालने के लिए रखी दाल है। मखनी होता है, दाल मखानी होता है। मखनी आपको क्या अच्छी लगती है? मखनी तो दाल मखनी होती है। ठीक है, पानी भिगो के भी रख देते हैं ना। पानी भिगो के ठीक है ना। अभी तो निकाली होती है। लकड़ी का इंतजाम, आग जलाने के लिए एक लकड़ी का फट्टा मिला है। अब वो लेगा क्या हथौड़ी छेनी? अब वो लेगा हथौड़ी छोड़ी, हथौड़ी छेनी गई उसकी। इसको प्लाई, इसकी प्लाई तोड़ तोड़ के निकाल दे। अरे नहीं टूटेगी। हाथ दिखा नीचे का, नहीं टूटेगी। दूसरी तरफ से दिखा। हाँ ये तोड़े से। तो दोस्तों ये हमारी दाल मखनी बन रही है। अभी फिलहाल कढ़ाई की जगह हमने शुरू कर दिया है ये कुकर में बनानी। आप देख सकते हो कुकर में दाल मखनी बन रही है। कालू भाई एक्सपेरिमेंट करने आ गए हैं। छेड़ो छेड़ो, आपको छेड़ो, बिना छेड़े तो तुम्हारी आग लगेगी नहीं। अब शिपू मैं कह रहा हूँ तो अभी दाल मटर अब इसमें डाल के दाल दा, अभी उसके बाद छोक करके रजत इसमें अरब दाल गल गई ना। हाँ बिल्कुल गल गई। बस अभी दाल आप कैसे बना रहे हो, कौन सी दाल बना रहे हो थोड़ा बताओ। हम बना रहे दाल मखनी। दाल मखनी बना रहे हो आप? हाँ जी। अच्छा, प्लान ये था मटके में बनाएंगे बट टाइम शॉर्टेज की वजह से हम कुकर पे इसको वो कर दिया ट्रांसफर। लेकिन हम वापस अभी इसको मटके में डाल के छोक मटके में फाइनल इसमें लगाएंगे करेंगे। ठीक है, तो इसमें दाल में ये कितनी क्वांटिटी बना रहे हो आप? ये लगभग लगभग एक किलो से थोड़ी कम और 5 किलो के कुकर में बन रही है। 5 किलो के कुकर में बन रही है तो यानी कि करी करी ये दाल ही 15 लोग तो खा ही लेंगे। मोर देन दैट, मतलब 20 लोग खा लेंगे आराम से। ठीक है, तो ये दाल अभी बनने में कितनी देर लगेगी? मेरे हिसाब से 45 मिनट के अंदर पूरा सर्व करने लायक हो जाएगी। 45 मिनट में तो ठीक है। 45 मिनट बाद हम लोगों को दाल दिखाएंगे कैसी बनी है। ठीक है ना, और फिर लोगों से राय लेंगे कि दाल आपको, अगर आपने भी ऐसी दाल बनाई हो और ऐसी ही बनाई हो 15-20 लोगों के लिए तो बताइएगा। ऐसी दाल बनाई हो। दोस्तों यहाँ मक्खन में छोक लगाया जा रहा है। मक्खन डाल चुका, डाल भाई डाल इसमें। प्याज डालो, जीरा पहले। हाँ पहले जीरा डालो आप, थोड़ा सा इसको प्लेट पीछे। हींग भी डाल देना सर ऐसी। हाँ ऐसी करके डाल दे। लाइए आप जरा प्याज लाइए। प्याज कहाँ है? प्याज देना, थोड़ा सा पानी भी डाला। 15-20 मिनट का खेल है। दाल उबल चुकी है, दाल को भी हमने कुकर को रखा हुआ है आग पर। दाल को तड़के के लिए क्या करा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह तड़का लगाया, मतलब हम तड़के से मिक्स कर रहे हैं अपनी बनी हुई दाल को। दाल बहुत ही बढ़िया लग रही है, बस इसमें एक चीज की कमी है मिस्टर आशु। किस चीज की? दैट इज सॉल्ट ओनली। सॉल्ट तो अभी डलेगा, अभी डलेगा, अभी डलेगा। आधा आधा तड़का। ओ भाई रुक जा, रुक जा, मुझे सेट करने दे। उधर सेट है वो, आराम से गिर ना जाए। ओ यार ये पूरी आ गई। अब सिर्फ इसमें नमक डाल के कालो साफ कर ले इसको अच्छे से। डाल ले दे हैप में भी कोई धनिया ला रहा है, गरम पानी डाल थोड़ा सा, थोड़ा बचा पानी डाल के हम कर देंगे इसको। ओहो हो हो मेरे घर तो कालो जा ले आ, बटर बटर ले आ। मैं होते घर तो यार क्या देना कटोरा रखा। धनिया कस्तूरी मेथी हो किसी पे ये डालेगा तो क्या है बना दियो ले आ। मैं नहीं जाऊंगा भाई, अब मैं उसको बोल देना ओम को। ये सबसे आगे डालिए खंडिया की दाल मखनी, क्या गजब लग रही है। अभी हम इसमें पूरी बटर की एक टिक्की डालेंगे अंदर, लेकिन नमक का कोई बता दो। नमक अभी कम है लेकिन नमक डालेगा। नमक तो है ही नहीं, नमक चका दे। यार वो ऊपर से तुम बाद में जब तुम दाल, वाह 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 वाह, अब आपका कलर आया नहीं है। देखो नमक और चक्कर लियो भाई,
बस सही है, जब बाद में जिसको कम पड़ेगा दाल लेना। तो दोस्तों ये दाल मखनी लगभग तैयार है बनने बनके, और कभी आपने भी ऐसी हंडिया में दाल मखनी बनाई हो तो जरूर कमेंट में करके बताइएगा, और अगर नहीं बनाई तो प्लीज ट्राई करें बिल्कुल हंडिया में बना के।